इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सांसदों को निर्देश दिए हैं। सांसदों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए टास्क दिया गया है। जीत दिलाने में मददगार मुद्दों को पहचान करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि सांसदों को राजनीतिक कंटेंट पोस्ट करने के निर्देश मिले हैं। राष्ट्रीय और राज्यों के मुद्दों को कैंपेन में शामिल करने के निर्देश को लेकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी लगातार बड़े फैसले ले रही है, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब सांसदों को ये निर्देश दिए हैं। जहां सांसदों को अभी तक न सिर्फ लोगों के साथ संवाद पर जोर देने की बात कही जाती थी, वहीं अब सांसदों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए टास्क दिए जाएंगे और जीत दिलाने में मददगार जो मुद्दे होंगे, जो अहम फैक्टर्स होंगे, राज्य से जुड़े अहम फैक्टर्स होंगे, उनकी पहचान करने को कहा गया है। हालांकि सांसदों को राजनीतिक कंटेंट पोस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं और राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों को किस तरीके से कैंपेन में शामिल करते हुए लोगों तक अपनी बात रखनी है, इस पर जोर देने को कहा गया है। लेकिन बीजेपी का ये जो मिशन 2024 है, इसकी इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको एक एक डिटेल देते हैं, क्योंकि अब सांसदों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं, ये बड़ी खबर है। हालांकि जिस तरीके से हर सांसद को रोजाना 21 से 24 पोस्ट करने के निर्देश मिले हैं, उसमें खास तौर पर कंटेंट पर भी बात कही गई है कि पोस्ट की सामग्री में 60% वीडियो कंटेंट होना चाहिए। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक सामग्री पोस्ट करने के निर्देश मिले हैं, यानी कंटेंट पूरी तरीके से पॉलिटिकल होना चाहिए और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के निर्देश मिले हैं, जिसमें खास तौर पर जनता के बीच केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं जो चल रही हैं, उनके काम को वीडियो कंटेंट के जरिए कैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, किस रणनीति के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं, आज सांसदों को दिए गए निर्देश के बारे में डिटेल बताएं। जी बिल्कुल, आपको ये पता होगा कि 2014 और 2019 से इस बार का जो 24 का चुनाव होने जा रहा है अगले साल, वो अलग होगा, क्योंकि पहले 2014 में 2019 में आपके अपोनेंट्स यानी कि बीजेपी के अपोनेंट्स उतने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, लेकिन अगर आज जो बीजेपी को टक्कर देने के लिए सोशल मीडिया में उसके अपोनेंट्स भी उतने ही एक्टिव हैं, उनकी भी टीम है, तो ऐसे में बीजेपी ने अभी सभी सांसदों को ये निर्देश जारी किया है और कहा है कि अपने सोशल मीडिया पर और एक्टिव होइए, आप केंद्र सरकार के कामों को बताइए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ, इनके जो ट्वीट्स होते हैं उसको लाइक करिए, रिट्वीट करिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि फेसबुक पे अगर आप कोई पोस्ट करते हैं, अगर आपके फेसबुक फॉलोअर्स जो है वो लाखों में है, तो कितने शेयर हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जो फेसबुक और सोशल मीडिया के जो आपके जो फॉलोअर्स हैं उनसे दूर हो रहे हैं। तो इन सबको ये कहा गया और एक तरह से हिंट भी किया गया है कि 2024 में जो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स का नाम फाइनल किया जाएगा, उसमें एक बड़ी भूमिका सोशल मीडिया पर जो उनके फॉलोअर्स होंगे उसके आधार पर तय होगी, उससे पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हैं। और यही वजह है कि सभी को ये एक निर्देश जारी किया गया और कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होइए। सब पर टारगेट दिया गया है, रोजाना का टारगेट दिया गया और साथ ही साथ वीकली आपके टास्क क्या है, टारगेट क्या है, वो भी सभी सांसदों को दिया गया। आनंद, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन ये साफ है कि अब किस तरीके से पूरी तरीके से आने वाले चुनाव को देखते हुए बड़े फैसले बीजेपी की तरफ से लिए जा रहे हैं।